चित्र 16, प्रभु ने दुख उठाया। प्रभु यीशु ने बहुत अद्भुत काम करे और बहुत से लोग उनके पीछे हो गए। तो भी जब प्रभु यीशु ने उनसे कही कि तुम सब के सब पापी हो, तो जोन दुष्ट हते वे उनसे घृणा करन लगे। उन लोगन के सरदार बड़े ईर्ष्यालु हते, उनने जो कबहू स्वीकार नहीं करो कि यीशु ही परमेश्वर को पुत्र है, उनने ऊखो पकड़वाओ और उनके विरुद्ध झूठी बातें बोली और मारो। उनने उसके सिर पे काठन को मुकुट रखो और ठट्टों में उड़ाओ। अकेले प्रभु यीशु ने इको विरोध नहीं करो, काय से कि वे जानत थे कि ऐसो तो हुए ही। उसके दुख उठाए के पीछे ईश्वर की योजना थी। चित्र 17, यीशु क्रूसित हुए हैं। इके बाद यीशु खा क्रूस पे चढ़ा हुआ और तब तक वे क्रूस पर चढ़ाए गए जब तक वे मर नहीं गए। उनके संगे दो और अपराधियों का भी क्रूस पर चढ़ा हुआ। यही प्रकार से मृत्युदंड उदनन में दिए जात थो। ऐसी मौत की सजा देवे की उदनन में चलत थी। अकेले प्रभु यीशु ने तो कोनो अपराध भी ना करो तो अकेले वो संसार के पापन के दाम चुकाए के लाने बलिदान हो गए। हम सबों ने पाप करे और हमें अपने पापन के लाने मरो चाहिए तो हमें जोन दंड मिलो चाहिए तो वो दंड प्रभु यीशु खा मिलो। अगर हम जो मान लें कि हम पापी हैं और अब हम कभों पाप ना करें तो परमेश्वर हमें क्षमा कर सकत है। प्रभु यीशु खा अपनों को एकमात्र परमेश्वर और उद्धारकर्ता मानो तभी उद्धार हुए। चित्र 18, पुनरुत्थान। प्रभु यीशु के शत्रुओं ने सोचो कि उनने उहां नाश कर दो। अकेलो ऐसा संभव ना तो प्रभु यीशु के क्रूस पे मरने के बाद उके दोस्तन ने उसकी मृत देखा एक गुफा में रख दो और गुफा के द्वारे एक बड़ा पत्थर रख दो। दो दिना बीत गए। तीसरे दिना प्रभु यीशु फिर से जी उठे। जब दो स्त्रियां कब्र पे आई तो उनने देखो कि पत्थर लड़को है और यीशु उतने नहीं है। दो सरदूत उन्हें जो संदेश देवे के लाने बैठे थे कि यीशु इतने नहीं, यीशु तो फिर से जिंदा हो गए। कि जब प्रभु यीशु मसीह मृतकन में से जिंदा हो गए तो उन्हें जो दिखा दो कि वह परमेश्वर हैं। प्रभु यीशु आज भी जिंदा हैं और वे हमेशा रहें। वे शैतान और मृत्यु से भी बढ़ के सामर्थी हैं। चित्र 19, थोमा विश्वास करता है। प्रभु यीशु के जीवे के बाद उनके कई चेलन ने उन्हें देखो, उनसे बातें करी और उनके साथ भोजन करो। थोमा जो उनके चेलन में से एक हतो उन पर विश्वास नहीं कर पाओ कि यीशु फिर से जी उठे। उसने कही, जब तक मैं तुम्हारे हाथ के घावों को ना देख लूं मैं विश्वास ना करूं। अंत में प्रभु यीशु बंद द्वार कमरे में आके थोमा को दिखाई दिए। थोमा की पूरी शंका खत्म हो गई। वे प्रभु यीशु के चरणन में गिर पड़े। यीशु बोले, धन्य है वे जिनने मोय नहीं देखो तो भी विश्वास करत है। चित्र 20, स्वर्गारोहण। प्रभु यीशु के जीवे के बाद 40 दिनन तक प्रभु यीशु कई लोगन खा दिखाई दिए और उनने जो गवाही दी कि वे जिंदा हैं। इके बाद प्रभु यीशु मसीह अपने पिता के पास जावे को तैयार हते। काय से वे जोन काम करे के लाने आए हते वो पूरा हो गाऊ। प्रभु यीशु ने अपने शिष्यन से कही कि तुम जो समाचार सब जगह सभी जनन को सिखाओ। जैसो कि शिष्यों ने देखो यीशु इस संसार का छोड़कर स्वर्ग चले गए। फिर दो स्वर्गदूत आए और कान लगे कि जैसे ही तुम प्रभु यीशु को स्वर्ग जाते देख रहे हो वैसे ही वे संसार में फिर किसे आए। चित्र 21, खाली क्रूस। प्रभु यीशु क्रूस पे काय मरे। प्रभु यीशु ने हम पापियन खा पाप के दंड से बचाए के लाने क्रूस पे मरे। प्रभु यीशु निष्पाप हते, अकेले वे उन पापन खा उठाए के लाने मरे जोन हम परमेश्वर से अलग करत है। क्रूस हमें याद दिलाउत है कि प्रभु यीशु निष्पाप मेमना हतो जोन हमारे लाने बलिदान भाव। जब हम प्रभु यीशु पे विश्वास करते हैं अपने पाप त्यागत तभी हमारे सबरे पाप क्षमा होते।
और हम परमेश्वर से सदा के लाने जुड़ जाते हैं। चित्र 22, दो मार्ग। प्रभु यीशु ने शिक्षा दी कि जीवन के दो रास्ता और दो अंतिम परिणाम हैं। वह व्यक्ति जिन्हें प्रभु यीशु का व्यक्तिगत उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण नहीं करो, पाप के चौड़े मार्ग में है, जो मौत और नरक के अनंत कालीन सजा की ओर जात है। जो मनुष्य को स्वाभाविक परिणाम आवे, हम जनन और स्वभाव दौवन से पापी हैं, इते बे क्षमा शांति और जीवन की सकरी गेल है, जो परमेश्वर और स्वर की ओर ले चलत है। इमे जाए के लाने तुम्हें पाप और स्वयं इच्छा से दूर रहो चाहिए और पूरी तौर से भरोसा प्रभु यीशु मसीह पे रखो चाहिए। प्रभु यीशु ने गई, मैं ही द्वार हूँ, यदि कोई आए के मुझसे प्रवेश हो जाए तो उको उद्धार हो जाए। सकरे मार्ग पे चलने वालन का पाप का कोनो न्याय न हुए, काय से उनके पाप यीशु मसीह के क्रूस पे बहाए गए खून से धोए गए हैं। अगर तुम यीशु के पीछे आओ चाहो तो तुम और प्रार्थना में परमेश्वर से इस प्रकार से बात कर सकत हो, प्रभु मैं मानत हूँ कि मैं पापी हूँ, मैं विश्वास करत हूँ कि यीशु हमारे पापन के लाने क्रूस पे मरे, हमें क्षमा कर दो और हमारे हृदय का पापन से शुद्ध कर दो, आप हमें अपने परिवार का सदस्य बना लो। मैं यीशु के जीवन के मार्ग के पीछे आहो चाहत हूँ और मरवे के बाद आपके साथ स्वर्ग में रहना चाहत हूँ। धन्यवाद प्रभु। अगर आप ईमानदारी से इस प्रकार प्रार्थना और विश्वास करत हो तो तुम सकरे रास्ते में घुस जाओ, जहाँ तुम्हें शांति और अनंत काल का मार्ग मिल जाए। वह हृदय के विचार और इच्छाओं को जानत है।